Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. यह यूपी का नया निजाम है और मिजाज भी है। अंबेडकर नगर में छात्रा की मौत का सबब बने तीन युवकों को मिले सबक के बाद गाजियाबाद में छात्रा कीर्ति सिंह का मोबाइल लूटने वाला मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीते आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। कीर्ति सिंह की मौत के करीब 9 घंटे बाद ही गाजियाबाद पुलिस ने सूबे के मुखिया योगेंद्र आदित्यनाथ के उस बयान को चरितार्थ कर दिखाया जिसमें उन्होंने कहा था कि बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे। गाजियाबाद के इस मुठभेड़ के बाद यूपी की योगी सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि प्रदेश में छेड़छाड़ व अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि यूपी में योगी सरकार तेजी से काम कर रही है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। पहले सुनिए अंबेडकर नगर में छात्रा की मौत के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। इस घटना में साइकिल सवार छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने पर वह नीचे गिर गई थी और सामने से आती बाइक की टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई थी। आरोपी शहबाज व फैसल के पैर में गोली लगी थी जबकि तीसरे साथी का भागते हुए पैर टूट गया था। कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अब बात करते हैं गाजियाबाद की घटना की। इंजीनियरिंग छात्रा कीर्ति सिंह हापुड़ के पन्नापुरी निवासी लोको पायलट रविंद्र सिंह की बेटी थी। वह गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। 27 अक्टूबर की शाम ऑटो से घर लौटते वक्त दासना फ्लाईओवर के निकट बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे लूटने का प्रयास किया था। छीना झपटी में कीर्ति सिंह सिर के बल सड़क पर आ गिरे थे। इलाज के दौरान रविवार शाम 7:45 बजे उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस कांड के आरोपी बॉबिल उर्फ बलवीर को शनिवार शाम मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर दिया था जबकि मुख्य आरोपी जीतू भाग निकला था। मसूरी इलाके में आज सोमवार की सुबह करीब 5 बजे जितेंद्र उर्फ जीते पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। DCP विवेक चंद्र यादव ने इस बारे में यह जानकारी दी है। दिनांक 29-30 अक्टूबर 2023 की रात्रि में थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गंगनहर पटरी के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से दो बाइक पे दो लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक अभियुक्त एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू सराव गंगाराम निवासी मिसलगढ़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस अभियोग में भी ये घायल अभियुक्त फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। समस्त घटनाक्रम में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।